बोर्ड बनना लगभग तय हो चुका है। पिंडवाड़ा में बीजेपी का बोर्ड यहां पर बनेगा। तस्वीरें साफ होती जा रही है, आप देख सकते हैं। शिवगंज नगर परिषद में निर्दलियों का यहां पर दबदबा दिखाई दे रहा है। माउंट आबू और सिरोही में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तो ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि अब सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में भी पहुंची है। बिल्कुल, तो माउंट आबू और सिरोही जहां पर कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, पिंडवाड़ा में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो जयकृति है वो शिवगंज नगर पालिका के लिए है, यहां निर्दलियों का बोलबाला है। इसका मतलब एक बार फिर साफ है कि यहां पर हमें सियासत के कई इवेंट्स और देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहेंगे कि निर्दलीय हमें समर्थन दें और वहां पर हम अपना बोर्ड बना लें। ऐसे में निर्दलियों का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शरद टाक से, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, मोटे तौर पर सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो अगर कहीं बन रहा है तो शिवगंज में, क्योंकि बाकी तीन जगहों पर तो स्थिति बिल्कुल साफ है। जी बिल्कुल, शिवगंज की बात करें तो 35 वार्डों में 15 तो कांग्रेस है, 13 बीजेपी है और 7 निर्दलीय है। यहाँ पर निर्दलियों का बोलबाला है और निर्दलियों को लेकर बाड़ेबंदी जो पहले से की जा रही थी, अलग अलग खेमों में निर्दलीय थे और अब वोट कांग्रेस पूरी जुगत में लगी हुई है कि कैसे भी करके इस जिले में जब सब जगह कांग्रेस का वोट बन रहा है तो निर्दलीय को भी कांग्रेस का वोट बनाया जाए और शिवगंज में निर्दलीय का शामिल करते हुए कांग्रेस का वोट बनाया जाए और बीजेपी भी लगी हुई है कि किस तरीके से अपना वोट बचाए, इसको लेकर जुगत चल रही है। पूरे जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल शिवगंज पर फोकस है दोनों पार्टियों का। जी बिल्कुल, और अच्छा इसमें चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है। देखिए माउंट आबू की अगर बात कर ले तो मोटे तौर पर पूरा माउंट आबू एक ही चीज चाहता है, बिल्डिंग बाय लॉज, और उसके लिहाज से वो जिसकी भी प्रदेश सरकार है उसके साइड ही जाना पसंद करता, तो ठीक वैसा ही नतीजा वहां देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक भी ऐसा घटनाक्रम नहीं है सिवाय शिवगंज के जो चौंका रहा हो। मैं आपको बताऊं कि माउंट आबू तो पहले से तय था, अगर हमारी कल एक खबर चलाई थी, हमने दावा भी किया था कि माउंट आबू में लगभग कांग्रेस का वोट बन जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों की मूलभूत जो समस्या थी 30 सालों से जो मूलभूत निर्माण नहीं करा पा रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर सरकार के साथ अगर कांग्रेस का वोट बनेगा तो शायद उनकी समस्याओं का कुछ निजात मिलती है। अब सरकार इस पर कितना गंभीर करती है ये तो बात की बात है, लेकिन एक बार वहां की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके ये साबित कर दिया कि उनकी समस्या कैसे हल की जाए, ये सरकार से उन्होंने उम्मीद जताई है ये वोट बनाकर। और सिरोही की बात करें तो सिरोही में यहाँ लगातार कांग्रेस बीजेपी का कब्जा रहा है, लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत जो 22 सीटें आई है कांग्रेस की, या पूर्ण बहुमत शिवगंज में बन रहा है। और पिंडवाड़ा में जो पहले पिछली बार बीजेपी का वोट था और इस बार भी वापस बीजेपी अपना वोट बनाने जा रही है। यहाँ मैं एक बात बताऊं कि यहाँ जो सिरोही नगर परिषद की बात करें तो यहाँ सभापति के जो दावेदार थे भाजपा के वीरेंद्र सिंह, जो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो 19 मतों से हार गए हैं और मतलब लगभग जो बीजेपी के जो दावेदारों में रहे हैं उन्होंने वो एक दावेदार जीते हैं, लेकिन अब यहाँ बीजेपी का कोई वोट बनने का आसार दिखाई नहीं दे रहा। एक बात और शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग सिरोही जिला एक जैसा चला हो ऐसी स्थिति नहीं है, पिंडवाड़ा ने थोड़ा डिफरेंट मूड दिखाया है, कोई रीजन, कोई ग्राउंड पर ऐसी चीज जो आपने देखी हो? पिंडवाड़ा में आपको बताऊं कि कांग्रेस की जो फूट थी, टिकटों का जो बंटवारा था वो सही ढंग से नहीं हुआ। या एक जानकारी ये भी मिल रही थी, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वहां बैठक लेने गए थे टिकटों के वितरण के समय, वहां पर उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी बदसलूकी हो गई थी और जिलाध्यक्ष को भी कांग्रेस के लोगों का विरोध झेलना पड़ा और वहां से वो आए और टिकट का बंटवारा सही नहीं था। और वहां जो समाराम है MLA विधायक भाजपा के, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है पिंडवाड़ा में और पिंडवाड़ा के लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है और लगातार दूसरी बार भी वहां वोट भाजपा का बनने जा रहा है। चलिए शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए।